ताकि आराम से बैठ सके यहाँ पर खाली करें, क्योंकि बैठने का भी स्पेस कुछ लोगों का होना चाहिए। निवेदन होगा जो अभ्यर्थी होंगे बैठ जाइए, क्योंकि जब नया इंसलीड अवेयस लागू करो, नया इंसलीड अवेयस लागू करो, नया इंसलीड अवेयस लागू करो। डिमांड बस यही है कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का जो 21,000 वाले वैकेंसी कांस्टेबल में मामला आया हुआ है कि पहले का होना चाहिए, जो कि बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है। और हम बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल करेंट लागू हो। देखिए हमारी संख्या तो बहुत बेहतर है, कम से कम 50% अभ्यर्थी है जो छटने वाले, लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो कम से कम 5,000 अभ्यर्थी आए हुए हैं और भी आने वाले हैं, जो कि पटना में है, गर्दनीबाग में धरना स्थल पर है। तो इतना उन लोगों को अभी लोकेशन नहीं पता चल पाया और लेकिन सब लोग आ रहे हैं और हम लोग का बार बार विनम्र निवेदन हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल करेंट लागू हो, नहीं तो जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग यही धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। जैसे में नोटिस आया है 25 नवंबर से ही आंदोलन चल रहा है, आज महाआंदोलन का रूप धारण कर लिया है, तो उसमें नोटिस आया कि नहीं जो मतलब बच्चे बोल रहे हैं उस मान्य योग्य नहीं है। ये सीएसबीसी की तरफ से एक नोटिस आया है जो कि हम लोगों के हित में नहीं है। हम लोग के हित के बारे में सोचकर और नया नोटिस जारी करिए और बोलिए कि हाँ इस बार तक ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लिया जाए। खुशबू पाठक, देखिए ये बात है ईबीसी बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जब फॉर्म डलाया था तब तक इसका कोई डिमांड नहीं किया गया था। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती है और इसका लास्ट 20 जुलाई डेट था, लेकिन सीएसबीसी पहली बार अपने पूरा करियर में पहली बार मैंने देखा कि 689 के लिए 16 अक्टूबर को नोटिस जारी करता है 2023 में और एनसीएल ईडब्ल्यूएस का डिमांड करता है। तब तक लड़कों को नहीं पास में था, फिर लड़के बनवा लिए, तो यही डिमांड है कि इससे काफी लड़के जो है प्रभावित हो रहे हैं और नया एनसीएल ईडब्ल्यूएस आयोग को मानना चाहिए, क्योंकि जो 6 महीने पर गरीब थे वो पहले अभी भी गरीब है और जब गरीबी सर्टिफिकेट है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कोई खास नहीं है, तो मुझे लगता है कि सीएसबीसी को जरूर इसको मान्य होना चाहिए। हम लोग का ये लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहेगा और ये अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन चलेगा, ये भूख हड़ताल ही समझिए एक प्रकार का है। और हमारे साथ सभी छात्र लीडर सभी शिक्षक का साथ है, आप दिलीप जी भी देख सकते हैं पास में है और हम लोग का बात बढ़ चढ़ कर हम लोग रख रहे हैं और मुझे लगता है कि होप सीएसबीसी को सुनना चाहिए। और जो एक साल में अपना भर्ती प्रक्रिया पूरा करने जा रहे थे वो भी 1.5 साल से ऊपर हो गया है, तो जब आप गलती कर रहे हैं और आप पूरा सर्टिफिकेट का नंबर भी नहीं मांगे थे, ये भी नहीं बोले थे कि आपको अभी अपलोड करना है, तो लड़कों से अगर बाय द वे अगर ऐसा आप खोज रहे हैं तो अभी लड़के बनवा कर दे रहे हैं तो आपको लागू कर लेना चाहिए। देखिए पहले क्या होता था सीएसबीसी में या कोई भी भर्ती आयोग में कि जब एनसीएल ईडब्ल्यूएस या कोई भी सर्टिफिकेट मांगा जाता था तब लोग बना के जमा करते थे और यही प्रक्रिया चलती थी, और अब कुछ वैकेंसी में हुआ कि अपलोड करवाया जाता है फॉर्म भरने के साथ ही, तो उसी समय बना के अपलोड कर लिए। लेकिन 21,391 पद पे सिपाही की भर्ती पिछले साल आई तो उसमें कहीं नहीं था कि आपको स्थिति से पहले बना के देना और न ही अपलोड करवाया गया, और अब 1.5 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि हमको विज्ञापन आने से पहले का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो ये सीएसबीसी के द्वारा मनमानी की जा रही है, तानाशाही की जा रही है। इससे पहले बीएसएससी में भी इस तरह का मुद्दा आया था एनसीएल को लेकर, तो उस समय भी आंदोलन के बाद एक्सेप्ट किया गया वर्तमान का एनसीएल भी। तो अभी हजारों की संख्या में बिहार की बेटियां, हजारों की संख्या में बिहार के बेटे हर एक जिला से यहाँ उपस्थित हुए हैं और धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और ये मांग है कि सिपाही भर्ती में ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वर्तमान का भी मान्य किया जाए, यानी कि विज्ञापन से पहले या विज्ञापन के बाद जब का भी जिनके पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस है सबको मान्य किया जाए। और यही डिमांड हम नीतीश कुमार जी से भी मांग कर रहे हैं कि बिहार की बेटियों के साथ, बिहार की बेटों के साथ न्याय किया जाए और ईडब्ल्यूएस एनसीएल वर्तमान का भी मान्य किया जाए। देखिए सब जगह ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन सीएसबीसी मनमानी कर रही है, सीएसबीसी इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रही है, और यही वजह है कि आज बिहार के बेटों और बेटियों को भूखे प्यासे गर्दनीबाग में धरना देना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, बिहार के हर जिले में आंदोलन होगा और गर्दनीबाग में आमरण आंदोलन चलता रहेगा। अपना बात मनवाने की कोशिश करें, खड़े मत होइए, सरकार गलत है, ये सरकार आप लोगों के साथ गलत कर रही है। मेरा बात यही है कि जब वो वैकेंसी निकली थी 21,391 पोस्ट के लिए तो उसमें सीएसबीसी का चेयरमैन मेंशन नहीं किया था कि हाँ ईडब्ल्यूएस एनसीएल जो है ना 2023 के पहले का लगेगा, जुलाई का, ये बात पहले मेंशन नहीं की थी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि 2023 का पहले का लगेगा, अब हम लोग कहाँ से लाएंगे आप बताइए। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रही हूँ, सीएसबीसी के चेयर से मांग कर रही हूँ कि लेटेस्ट का एनसीएल ईडब्ल्यूएस ले। आप लोग एग्जाम
हाँ एग्जाम पास बहुत मुश्किल से मैं एग्जाम पास करी, इतना पढ़ने के बाद मैं एग्जाम पास करी, उसके बाद फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ पे वो तैयारी कर रही फिजिकल का, उसके बाद पता चल रहा है क्या कि एक मामूली से कागज दो दिन में बन जाता है, उसके लिए हम लोग को छांट रहे हैं, कहीं ना कहीं इंसाफ ही कर रहे हैं, ना इंसाफ ही कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा डिमांड यही है कि लेटेस्ट का ईडब्ल्यूएस लागू कर दे सरकार से, मैं यही विनती करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और सीएसपीसी के चेयरमैन से हम बार बार हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि करेंट का ईडब्ल्यूएस लागू कर दे। आज आप लोग क्या, आज हम लोग का महा आंदोलन होने वाला है, आज तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, मेरी बात को रखना ही पड़ेगा, मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। डिमांड तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि देख सकते हैं हजारों की जनसंख्या में भीड़ लगी हुई है, इसीलिए आज तो डिमांड मेरा पूरा होके रहेगा। मैं नाम सोनी कुमारी, मैं वैशाली जिला से। धरना का सबसे पहली बात तो मैं मुद्दा बता देता हूँ क्या है। मुद्दा दरअसल ये है कि ये 20 जून 2023 से बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का फॉर्म भरना शुरू हुआ, ठीक है, ये 20 जुलाई तक चला था, फिर बाद में पता लगा हम लोगों को कि 16 अक्टूबर को मध्य निषेध 689 का पता था एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें एनसीएल ईडब्ल्यूएस चक्कर में लोगों को छाट दिया गया, तो हम लोग 20 जुलाई तक फॉर्म भर लिए थे, उसके बाद ये छटने की प्रक्रिया शुरू हुआ। तो बताइए, हम लोग जानते ही बात, अगर ये चीज 20 जून से पहले हुआ रहता तो हम लोग जान गए रहते, तो अपना एनसीएल बना लेते, लेकिन ये चीज दिक्कत हो गया आज, इसी वजह से हम लोग को पहले से दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है, करेगा सीएसपीसी, और अंतिम तक यही हुआ, इसीलिए हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इस चीज को वापस करवाने के लिए। जब तक हम लोग का मुद्दा नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे, धरना करेंगे। कितने पद को लेकर 21,391 पद का लिया आया था वैकेंसी, इसमें लगभग 80% के लोग इसमें इफेक्टेड है, इसे अगर ये चीज नहीं हटता है तो बताइए, मेरा लास्ट एज है इस बार, मैं 25 में जनरल कास्ट रहता हूँ, मेरा 25 साल लास्ट है, इस बार मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा अगला बार, फिर वैकेंसी कांस्टेबल का पद तो मैं नहीं भर पाऊंगा दोबारा में, तो बताइए मेरा क्या होगा इसके बाद। तो मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, सबसे पहला बार ऐसा बिहार पुलिस कांस्टेबल के जी रिटर्न में पास हूँ, और बिहार पुलिस के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि इतना फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, वरना जो पढ़ने वाले बच्चों का तो रिजल्ट होता ही नहीं था, इसमें हर बार चोरी करके लोग होता था रिजल्ट, इसमें इस बार ऐसा हुआ है तो सीएसबीसी के मन में खटक रहा है कि कैसे हो गया, गरीब बच्चों का रिजल्ट कैसे हो गया, इसी वजह से जान बुझ के प्रदान किया जा रहा है हम लोगों को। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नया वाला, जिसके पास नहीं है, जिसके पास पुराना है उससे मतलब नहीं है, जिसके पास नया वाला बनवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नया वाला लिया जाए 2024 का। आयोग से यही मांग है कि नया वाला लागू कर दे, हम लोगों को नोटिस दे दे अपना कि हाँ नया वाला पुराना वाला जो कोई भी है सब लागू है। 22-23 का मांग रहा है, हम लोग का नया वाला बनवाएगा, जिसके पास अभी नहीं है मान लेते हैं वो बनवा के देगा, नोटिफिकेशन में देखिए नोटिफिकेशन में भी दिया रहता है ऐसा, तो हम लोग बनवा लेते हैं। बिहार एसएससी का देख लीजिए आप, उसमें पहले सर्टिफिकेट का नंबर मांग लेता है, इश्यू डेट मांग लेता है, सब कुछ मांग लेता है, तो बनवा के दिया कि नहीं लगा दिया, उसमें तो कुछ ऐसा आने वाला नहीं है, ये बोलवे नहीं किया कभी आज तक, तुम लोग कहाँ से बना के देंगे बताइए। उसमें सिर्फ कैटेगरी पूछा गया कौन सा कैटेगरी आप है और टिक करना था बस एनसीएल ईडब्ल्यूएस, ये दिक्कत है हम लोगों का। जब तक नहीं मानेगा सीएसपीसी हम लोग जाने वाले यहाँ से है नहीं, और जो हो जाए उसके लिए जो करना पड़े करेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे हम यहाँ से।